अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पाइसी चना चाट। इसके लिए मैंने लिए हैं ब्लैक चने। ब्लैक चनों की मैं स्पाइसी चना चाट बनाऊंगी। टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें हैं, धनिया पुदीना है, कड़ी पत्ता है, आलू, इमली और मसालों के लिए होममेड चाट मसाला, चीनी, धनिया, लाल मिर्चें और प्याज को मैंने फ्राई पैन में डाल लिया है, जिससे मैं लाइट गोल्डन ब्राउन आने तक इसे फ्राई करूँगी। फ्लेम को ऑन कर लिया। जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज, इसमें कड़ी पत्ता ऐड करना है। कड़ी पत्ता मैंने ऐड कर दिया है। कड़ी पत्ता इसमें लाजमी डलता है, इससे ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। टमाटर ऐड कर दिए, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम आलू, बॉइल्ड आलू। आलू बॉईल कर लिएगा, चने भी बॉईल कर लिए थे पहले से, धनिया पुदीना, हरी मिर्चें, इमली का पानी निकाल लिएगा, इमली डाल देंगे इसमें। होममेड चाट मसाला, इसकी रेसिपी मैं आपसे जल्द शेयर करूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च, ये चीनी आप डालें इसमें लाजमी, क्योंकि इससे इसका टेस्ट मजीद अच्छा आता है। और ये धनिया पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। ये मीठी बनेगी चीनी डाल के, बस ये है कि इसका जो टेस्ट है वो चीनी से ही आता है, लेकिन ये मीठी नहीं, बहुत ही स्पाइसी चना चाट होगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे। स्पाइसी चना चाट बस रेडी होने वाली है। खुशबू आ रही है कड़ी पत्ते की वजह से, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। नमक ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। बस 10 मिनट में हमारी झटपट चना चाट रेडी हो जाती है। थोड़ा सा बस इसे दो से तीन मिनट पकाऊंगी चूल्हे पे, फिर इसे निकाल। स्पाइसी चना चाट रेडी है, इसे हम निकाल रहे हैं। गर्मा गर्म चना चाट मेरी बहुत ही फेवरेट है, बहुत मज़े की बनती है ये। स्पाइसी और इस पर आप पापड़ी डाल के खाएं तो बहुत मज़ा आता है। घर में से ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। सबसे मेरी फेवरेट चना चाट जो है वो काले चनों की ही है, जो मैं खाती हूँ। बहुत मज़े।